hi everyone how are you all i am Rampal paliwal um, and this is my first lecture for class five. okay so today we are going to study about uh, the our first chapter the tiger the brahmin and the jackal okay so let's begin have you ever faced a difficult situation so dear students have you ever faced a difficult situation yes many time in our life we fail we face the difficult situations okay so what did you do to get out of it

लेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए ब्राह्मण इन ए डिफिकल्टिचुएशन एंडल सेव लाइफ सेव्ड हिम फ्रॉम द डिफिकल्टिचुएशन ओके सो लेट स्टार्ट वंस अपनी टू गेट आउट थ्रो द बर्स एंड रोड एंड बिट विथ रेज एंड ग्रीफ वैन ही देखो एक बार एक टाइगर था जो केज में था वॉज इन केज वो पिंजरे में पकड़ा गया था ट्राइड इन वे टू गेट आउट थ्रो द

मेरे बाल मतलब कुछ समय में ए पूर्व ब्राह्मीण कैम्प बाय वहाँ से एक गरीब ब्राह्मण जो वो गुजरा लेट मी आउट ऑफ दिस केज ओ पियक वन क्राइड द टाइगर टाइगर चिल्लाया टाइगर ने थोड़ी सी दया की याचिका मांगी टाइगर जो है वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है कि लेट मी आउट ऑफ दिस केज मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो ओ पीस वन हे धार्मिक व्यक्ति प्लीज़ मेरे को इस पिंजरे से बाहर निकालो ऐसा वो टाइगर बोलता है ओके नहीं माई फ्रेंड रिप्लाई द ब्राह्मिन माइंडली यू वुड प्रोबेबली ईट मी इफ आई डिड अब देखो ब्राह्मीन जो है वो बोलता है कि नहीं मैं मेरे मित्र रिप्लाइड द ब्राह्मिन माइंडली उसने ब्राह्मि ने कहा यू वुड प्रोबेबली ईट मी इफ़ आई डिड किया अगर मैंने ऐसा किया अगर मैंने तेरे को फ्री किया स्केच से देन यू विल देन यू विल श्योरली ईट मी तुम मुझे पक्का खा जाओगे ओके okay ना नॉट एट ऑल प्रोमिस द टाइगर ऑन द कॉन्ट्रेरी आई शुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल एंड सर्व यू एज ए सॉल्व देखो टाइगर बोलता है कि इफ़ यू फ्री मी अगर तुम तो मुझे फ्री करते हो तो आई प्रोमिस यू नॉट टू ईट यू ओके ना तो मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा एंड

कसम खाता है ठीक है वो साई यानी कि आह भरना होता है ठीक है ये सब वो जब करता है तो ब्राह्मण को क्या है थोड़ी सी दया आ जाती है और वो जो है एग्री हो जाता है किस चीज़ के लिए गेट खोलने के लिए वो जो है रेडी है डोर को ओपन करने के लिए केज का ओके आउट पॉप द टाइगर एंड सीजिंग द पुअर मैन क्राइड वट फूल यू आर वाट इज द प्रोवेंट बाई इटिंग यू नाउ फॉर आफ्टर बींग लॉन्ग आई एम जस्ट टेरिबली हैंगरी अब देखो वो बोल रहे टाइगर कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुमने मुझे फ्री कर दिया अब तुम्हें मेरे को खाने से कौन बचा सकता है ठीक है मैं तुम्हें तो पक्का खाने वाला हूँ एंड फॉर आफ्टर बींग कॉप डप सोलॉन्ग की इस छोटी सी जगह में बहुत लंबे समय के लिए कैद होकर के आई एम जस्ट टेरिबली हंगरी मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बहुत ज़्यादा भयानक रूप से मैं क्या हूँ भूखा हूँ हंग्री हूँ द ब्राह्मण प्ली डेड फॉर इज लाइफ दैट द टाइगर वॉज एन ग्रेट फुल द टाइगर इफ द फर्स्ट थ्री थिंग्स होम यू ऑर्स्क वेदर इट इज़ फेयर फॉर मी टू ईट यू और नॉट से नो आई विलट यू गो अब देखो वो जो ब्राह्मण है वो प्रार्थना करता है उससे कि प्लीज मुझे जाने दो और बोलता है कि तुम तो बड़े ही अनग्रेटफुल हो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे पे ही संकट लेके आ रहे हो ओके ना यू आर मेकिंग मी इन टर्बल ओके ना तो वो बोलता है कि तुम मेरे लिए ट्रबल जो वो क्रिएट करे हो बल्कि मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे ही खाना चाहते हो टाइगर फ्रेंडली रिलेटेड अब टाइगर जो है वो बोलते हैं पहले तो वो मना करते लेकिन बाद में वो मान जाता है रिलेटेड का मतलब था मना करने के बाद में मान जाना ओके ऑल राइट ओके इफ द फर्स्ट थ्री थिंग्स होम यू आस्क वेदर इट इज फेयर फॉर मी टू ईट यू और नॉट से तीन जो थिंग्स जो मिलेगी ना तुम उनसे फर्स्ट थ्री थिंग्स होम यू मीट जो पहले तीन चीज तुम्हें मिलेगी तुम उनसे पूछना ओके ना कि जो मैं तुम्हें खा रहा हूँ या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए लेकिन मैं तुम्हें क्या है कि खाने वालों के ना आई एम गोइंग टू मेक माई डिनर ठीक है तुम्हें जो है डिनर के रूप में अपने अंदर लेने वाला हूँ मैं खाने वाला हूँ तो तुम तीन किसी भी चीज़ें जो तुम्हें सबसे पहले मिले उनसे तुम पूछना हो कि ना जो तुम्हें पसंद आए और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो रॉन्ग है तो मैं तुम्हें जान दूंगा श्योरली आई विल लेट यू गो मैं तुम्हें जाने ही दूँगा लेकिन फर्स्ट जो है तुम तीन चीज़ों से पूछो अगर वो बोलते हैं कि मैं रॉन्ग कर रहा हूँ तो आई विल लेट यू गो सो द ब्राह्मण फर्स्ट आस्क द पीपल ट्री वट इज़ थॉट ऑफ द मैटर बट द पीपल ट्री रिप्लाइड कोडली व्हाट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट डोंट आई गिव हु पास बाईज बाय, एंड डोंट दे इन रिटर्न टियर डाउन माय ब्रांचेस एंड फीड देर केटल अब देखो सबसे पहले जो है एक पीपल का पेड़ जो होता है उससे पूछता है इस मैटर के बारे में कि तुम इस मेटर के बारे में क्या सोचते हो तो पीपल का जो पेड़ है रिप्लाइड कोडली वो बड़े ही ठंडे स्वभाव से रिप्लाई बोलता है क्या बोलता है देखिए वट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से किस बात की कि तुम्हें कंप्लेन है ब्राह्मण डोंट आई गिव सेल्टर टू एवरी वन मैं सभी को जो है सेड छाया सेल्टर आश्रय देता हूँ ठीक है ना वो पासिस बाइक जो यहाँ से गुजरते हैं एंड डोंट डाइन रिटर्न टीयर डाउन माई ब्रांचेज फैट दियर केटल्स और बतले में रिटर्न में वो क्या करते हैं वो मेरी जो ब्रांचेज हैं उनको बैंड डाउन करते हैं मतलब झुकाते हैं उनको तोड़ते हैं और अपने केटल्स जो है उनको खिला देते हैं उनका वो भोजन बना देते हैं मेरी ब्रांचेज को तब मेरे को ये बताओ मैंने एक अच्छा काम किया ना मैंने उनको सेल्टर दी मैंने उनको सेट दिया ओके ना और उसके बदले में मुझे क्या मिला ग्रेटफुल वो लोग मेरे लिए ग्रेटफुल रहे नहीं बल्कि उन्होंने मेरी ब्रांचेज को ब्रेक किया ऐसा उस पीपल के पेड़ ने कहा देन द ब्राह्मिन सेड एट हार्ट अब जो है ब्राह्मीण थोड़ा दिल से दुखी हो गया कि नहीं पीपल ने उसका साथ नहीं दिया वेंट फर्दर ए फो टर्निंग ए वेल वेल बट ही फेड नो बेटर फ्रॉम इट फॉर इट कॉटन सीड्स एंड ऑयल केक बट ना देट आई एम ड्राई हेयर एंड गिव मी गार्बेजर अब देखिए थोड़ा आगे चलता है ठीक है ना दुखी मन के साथ में तो उसे मिलती है एक बफेलो वो, वो एक बफेलो को देखता है जो एक खेत में एक वेल व्हील को चला रही होती है तो उससे बोलता है तो उससे भी उसको एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता बफेलो देखो क्या बोलती है फॉर इट आंसर बफेलो जो है वो बोलती है यू आर ए फुल टू एक्सेप्ट ग्रेटिट्यूड कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो कि तुम ये आज के टाइम में तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें जो है तुम्हारी प्रति कोई ग्रेटफुल रहेगा जब तुम किसी की हेल्प करोगे लुक एट मी मेरी तरफ देखो वैलिस्टाई गए मिल्क जब तक मैं दूध देती हूँ वो भैंस जाए बफेला है वो बोलती है कि जब तक मेरे पास मिल्क था जब मैं दूध देती थी दे फेड मी ऑन कॉटन सीड्स एंड ऑयल केक तब तक वो मेरे को मतलब काफी अच्छा खाना ऑयल केक और कॉटन सीट्स वगैरह मेरे को मिलते थे बट लेकिन नाउट आई एम ड्राई लेकिन अब क्योंकि मैं सूख चुकी हूँ क्योंकि अब मैं जो है दूध नहीं दे रही हूँ योकमी हेयर तो उन्होंने मुझे यहाँ पे ला दिया है ठीक है ना योकमी हेयर <coughs> मेरे को यहाँ पे योक का मतलब हो गया कि वजन ढोने वाले जो जानवर होते हैं उनको अपन योग के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं ठीक है मी हेयर एंड गिव मी ए गार्बेज एज फूड और मेरे को यहाँ पे खाने के लिए क्या करते हैं एक कचरे के रूप में कचरा जो है यहाँ पे मेरे को खाने के लिए देते हैं ये सब कुछ अभी मेरे लिए है द ब्राह्मण स्टिल द रोड टू गिव हिम इट्स ओपिनियन अब जो ब्राह्मण जो है वो थोड़ा फिर से थोड़ा सा दुखी होते हुए लेकिन अब की बार वो किससे पूछता है रोड से पूछता है तो गिव हिम इट्स ओपिनियन कि तुम्हारा क्या इस मामले में तुम्हारा क्या ओपिनियन तुम क्या सोचती हो रोड ऐसे वो सड़क से पूछता है रोड से ही आस्क द क्वेश्चन माय डियर सर देन द रोड रिप्लाइड दैट माय डियर सर सेड द रोड हाउ फुलिस यू आर टू एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स कि तुम इसके अलावा और कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो टाइगर से तो तुम्हारे लिए बहुत ही मूर्खता की बात है बिकॉज हेर आई एम लुक एट मी मेरी तरफ देखो मैं हूँ ना यहाँ पे यूजफुल टू एवरी बॉडी मैं सबके लिए यूजफुल हूँ रोड जो है सबके लिए यूजफुल होती है राइट right? ओके okay ना तो बोलती है कि आई एम यूज़फुल टू एवरी बॉडी मैं सबके लिए यूज़फुल हूँ ये टोल सभी के लिए रिच एंड पुअर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो ग्रेट एंड स्मॉल चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो ठीक है ना ट्रम्पल ऑन मी एज दे गो पास्ट गिविंग मी नथिंग बट द ऑफ देयर पाइप्स एंड ही हस हस्ट द ऑफ देयर ग्रेन देखिए वो बोलते हैं कि वो जो सभी की सभी जो लोग हैं ऑल ऑफ द पीपल यूज सभी मेरा यूज करते हैं और बदले हुए मेरे को क्या करते हैं न वो मेरे प्रति ग्रेटफुल नहीं होते जैसे कि आप सोच रहे हो कि टाइगर को आपके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए नो लोग जो है वो मेरे प्रति ग्रेटफुल नहीं होते बल्कि वे जो है पाइप्स का जो है वो मेरे पे छोड़ते हैं ठीक है और मेरे ऊपर कचरा वगैरह फेंक देते हैं मेरा वो मिस करते हैं ओके okay? ना बल्कि मेरे प्रति वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं ऑन दिस इसके ऊपर द ब्राह्मण टर्न बैक सोरूफली अब जो है ब्राह्मण को लगता है कि मैंने तीन थिंग्स से मैंने अक्स कर लिया अपना क्वेश्चन और सभी ये बोल रहे हैं कि टाइगर जो है उसको ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए बल्कि उसे मेरे को खा लेना चाहिए ऐसा वो सभी सोचते हैं एंड ऑन द वे ही मेट एज ए कल हु कॉल्ड आउट वाई What's the द Mr. मिस्टर You यू लुक एज़ as a fish out आउट ऑफ वाटर अब देखिए उसे रास्ते में जब वापस रिटर्न हो रहा होता है उसकी तरफ टाइगर की तरफ तो उससे जो है रास्ते में क्या मिलता है एक जैकल मिलता है ठीक है तो जैकल उससे बोलता है वाई क्यों भाई व्हाट द मैटर प्रॉब्लम क्या है मैटर क्या है यू लुक एज मिजरेबल एज ए फिस आउट ऑफ वाटर तुम पानी के अंदर से जैसे कोई मछली को, को बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है सेम वैसी कंडीशन तुम्हारी हो रखी है तुम इतने परेशान क्यों हो द ब्राह्मण टोल्ड हिम ऑल दैट हैड एक्यूर्ड अब ब्राह्मण जो है उसे सब कुछ बताता है जो कुछ उसके साथ घटित हुआ हाउ वेरी कन्फ्यूजिंग सेड द जेकल वेन ब्राह्मण फिनिश्ड इथ स्टोरी वुड यू माइंड टेलिंग मी ओवर अगेन फॉर एवरीथिंग हैज़ गॉट सो अप अब क्या है कि पूरी स्टोरी बताने के बाद वो बोलता है जेकल क्या कि इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग है बहुत कन्फ्यूजिंग है सबकी सब, सब बातें जो वो मेरे पास क्या होगी है मेरे माइंड वो सब अप हो गई है मैं कुछ ढंग से समझ नहीं पाया हूँ तो प्लीज़ गो ओवर द होल थिंग अगेन सारी सारी चीज़ें वापस से रिपीट करो ऐसा वो बोलता है द ब्राह्मिण टोल्ड इट ऑल ओवर अगेन बट द जेकल सुक इज हैड इन ए डिस्ट्रैक्ट सॉट ऑफ वे एंड स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड अब देखे क्या है कि जैसे वो ब्राह्मिण जो है उसको फिर से सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ वाट है बट दैकल सुख इज है फिर से जो जेकाल है वो अपना सर हिलाता है इन ए डिस्ट्रेक्टेड सॉर्ट ऑफ वे इस तरीके से कि उसे ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि उसे कुछ समझ में नहीं आया ठीक है ना एंड स्टिल कुड नॉट अंड वास्तव में अभी तक कुछ नहीं समझ पाया इट्स वेरी ऑड सेड ही सैडली बट इट ऑल सीम्स टू गो इन थ्रो वन ईयर एंड आउट थ्रो द अदर आई विल गो टू द प्लेस वेरी इट ऑल हैपन एंड देन आई परल बी एबल टू गिव ए जजमेंट अब वो बोलते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए ऐसे है जैसे मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया मैं सब कुछ मेरे माइंड में अभी तक मैंने क्या है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया है मेरे माइंड में अभी तक जो सब कुछ स्टिल नहीं हो पाया है ये अभी तक मेरे माइंड में स्टे नहीं हो पाया है सब मैं एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे कान से बाहर निकल रहा है मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है काफ़ी तो अच्छा होगा अगर आप मेरे को वहाँ पे ले चले जहाँ पे सब कुछ घटित हो शायद मैं कुछ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाऊँ एंड आई शैल बी एबल टू गिव ए जजमेंट और शायद मैं आपको एक अच्छा सा जजमेंट दे पाऊँ सो दे रिटर्न टू द केज तो वे फिर जो है पिंजरे के पास में आते हैं बाई विच द टाइगर वाज वेटिंग फॉर द ब्राह्मिन सार्पिंग टीथ एंड क्लाउस और वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वापस वो केज के पास जाते हैं ठीक है थीके? और वहाँ पे वो देखते हैं कि टाइगर जो बैठा हुआ ब्राह्मण का वेट कर रहा होता है अपने जो शार्प जो टीथ होते हैं उनको थोड़ा और उनको जो थोड़ा तीखा कर रहा होता है क्योंकि ही वॉज रेडी टू डिनर वह जो रेडी था डिनर करने के लिए उसे जो है ब्राह्मण को खाना था तो यू अवे लॉन्ग टाइम ग्रोल बिस्ट बट नाउ लेट एस बिगन और डिनर अब देखो टाइगर जो बोलते हैं तुम काफी समय से दूर रहे मुझसे ठीक है लेकिन अब वो थोड़ा सा घुराते हुए बोलता है कि ठीक है लेकिन अब हमें मुझे अपना डिनर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें आंसर नहीं मिला तुम्हारे फेवर में सब ने मेरे फेवर में आंसर दिया अब तुम्हें मैं तुम्हारे को खाने वाला हूँ ओवर डिनर थर्ड द रिचड ब्राह्मण एज हिज नीज नॉट टूगेदर विथ फ्राइट वाट ए रिमार्केबली डिलीकेट वे ऑफ पुटिंग इट अब क्या है कि जैसे वो ये सुनता है ना कि ओवर डिनर ब्राह्मण तो उसकी जो घुटने हैं वो नॉकड हो जाते हैं डर के कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो बस अपन से एकदम दूर ही अपनी मौत है ठीक है वो टाइगर में अपनी मौत को देख सकता था तो उसे लगा कि अब तो एकदम दूर अपनी मौत है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उसके जो घुटने वो जवाब दे देते हैं ओके Give me five minutes, my lord," he pleaded. आई मे matters to the jackal here, who is somehow slow in his wits." अब वो बोलता है कि माई लॉर्ड वो बोलता है कि हे मेरे भगवान टाइगर जी बात ये है कि मेरे को सिर्फ पांच मिनट दे दीजिए ये जो jackal आपके सामने है ये क्या है कि थोड़ा सा समझने में स्लो है इसका दिमाग कम चलता है सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या था उसके बाद में यू कैन मेक मी डिनर आप मेरे को मेरा डिनर कर सकते हो ठीक है ऐसा वो बोलता है टाइगर कॉन्सटेंटेंट एंड द ब्राह्मिन बिगेन द होल स्टोरी और अगेन नॉट मिसिंग ए सिंगल डिटेल एंड स्पिनिंग एज लॉन्ग एज यर्न एज पॉसिबल देखिए अब क्या है कि फिर से जो वो जो ब्राह्मण है वो पूरी स्टोरी को बताता है बिना एक डिटेल को छोड़े हुए सारी डिटेल जो है वो जेकल को बताता है और बोलता है मतलब जैसे कि अपन एक धागा जो होता है उसको जितना लंबा खींच सकते हैं उतनी लंबी खींचते हुए स्टोरी को जो है वो जो ब्राह्मण है वो पूरी स्टोरी को रिवेल करता है उस जेकल के सामने बिफोर द तो जेकल ओह माय पुअर ब्रेन ओह माय पोअर ब्रेन क्राइड द वेलिंग इट्स पाउस लेट मी सी हाउ डिट इट ऑल बिगे यू आर इन द केज एंड टाइगर कैम वॉकिंग अवे अब देखिए वॉकिंग बाई वो जो जेकल है वो है ओह माय पुअर ब्रेन अरे मेरा गरीब दिमाग अरे मेरा बेकार सा दिमाग जिसमें मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ तो बोलते हैं अच्छा मेरे को ये समझ में आए कि ब्राह्मीन जी आप कमरे आप जो है इस केज़ में थे और ये जो टाइगर था ये बाहर से चल के आ रहा था इंटरप द टाइगर are. ए फूल यू the केज तो फिर वो बोलते हैं टाइगर वो बोलते हैं कितने मूर्ख हो तुम जयल मैं इतना नहीं पता इसने अभी तो बताया आई वॉज इन द केज पिंजरे में मैं था नहीं नाहमीण नहीं था पिंजरे में कौन था आई वॉज इन द केज द टाइगर वॉज इन द केज टाइगर था पिंजरे में अफकोर्स क्रेड जे कॉल विद फ्राइड यस आई वॉज इन देश नो आई वॉज इन डियर डियर वेयर आर माई वेट्स लेट मी सी दाइगर वॉज इन द्रामीन एंड द केज कम वॉक नो दैट नॉट इटर वेल डोंट माइंड मी बट बिगन योवर डिनर फॉर आई सेल नेर्स कैड वो बोलता ना आई वॉज इन द केज टाइगर बोलता है आई वॉज इन द केज तो अफकोर्स कैड द जेकल तो जेकल जो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रिटेंडिंग टू ट्रेबल विथ फ्लाइट थोड़ा सा डरते हुए ऐसे वो प्रिटेंड करे जैसे वो डर रहा है ठीक है और वो बोलते हैं कि हाँ नो आई वॉज एंट आई वॉज इन की नहीं आई वॉज एंट सॉरी यस आई वॉज इन द केज वो बोलता हैं हाँ मैं केज में था जब टाइगर बोलता ना कि मैं तो फिर वो जिकल अपने पे लेता है बात को बोलता कि हाँ कि मैं केज में था फिर वो बोलता है नो आई वॉज इन नहीं मैं तो केज में कहाँ था केज में तो ब्राह्मण था या फिर टाइगर मैं कब था केज में डियर डियर वेर आर माई वीट्स अरे मेरा दिमाग कहाँ पर चला गया लेट मी सी मुझे देखने दो द टाइगर वाज इन द ब्राह्मिन फिर वो बोलता है फिर से स्टोरी को वापस स्टार्ट करता है कौन जिकल जो अपने वे में बोल रहा है क्या कि द टाइगर वॉज इन द ब्राह्मण की जो टाइगर है वो किस में था पिंजरे में नहीं ब्राह्मण में ओके okay ना एंड द केज कैम वॉकिंग बाई और जो पिंजरा था वो चलते हुए आ रहा था नो दैट्स नो दैट्स नॉट इट आई दर वेल डोंट माइंड मी बट बिगेन योर डिनर फॉर आई सेल नेवर अंडरस्टैंड अब वो देखो वो बोलता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा होगा कि आप अपना डिनर स्टार्ट करें टाइगर जी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू टेल मी ये जो आपने जो स्टोरी मेरे सामने एक्सप्लेन की है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसे वो ब्राह्मण से ब्राह्मण की जो स्टोरी वो मैं नहीं समझ पाया तो अच्छा होगा कि आप अपना डिनर स्टार्ट करें यस यू सेल रिटर्न द टाइगर इन अ रेज एट द जेकल्स टू बी डे अब जेकल की जो मूर्ख था उस पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए जो टाइगर है वो बोलता है नो यू यस यू सेल कि नहीं तुम समझोगे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हें समझाऊंगा लुक हेयर आई एम द टाइगर फिर वो बोलता है देखो कि लुक हेयर मेरी तरफ देखो टाइगर बोलता है कि मैं समझाऊंगा तुम्हें आई विल अंडस्टैंड यू आई विल मैक यू अंडस्टैंड मैं तुम्हें समझाऊंगा लुक हेयर यहाँ पे देखो आई एम द टाइगर टाइगर बोलता है कि मैं टाइगर हूँ यस माई लोड तो जेकल बोलता है हाँ माई लोड आप टाइगर हैं एंड दैट इज़ द ब्राह्मीण और ये जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है कौन है ब्राह्मीण है तो बोलता है यस माय लॉर्ड बिल्कुल ये भी सही है एंड दैट इज द केज और ये जो सामने रखा हुआ ये क्या है oh. पिंजरा है ओके यस माय लॉर्ड ये भी मैं समझ गया एंड आई वाज इन द केज़ डू यू अंडरस्टैंड और मैं जो है वो केज में था अब तुम्हें समझ में आई बात मैं था केज में यस नो प्लीज़ माय लॉर्ड फिर बोलता है हा, हाँ फिर बोलता है नहीं मैं समझ नहीं पाया वेल क्रैड द टाइगर इम्पेश फिर अच्छा क्रैड द टाइगर इम्पेश वो जोर से चिल्लाता है तुम नहीं समझ पाए ऐसे वो बोलता है प्लीज माई लोड हाउ डिड यू गेट इन मेरे समझ में नहीं है कि आप अंदर कैसे चले गए हाउ इन द यूजल वे ऑफ कोर्स हाउ डियर वो बोलता है टाइगर की इन द यूजल वे कि बिल्कुल आसान से वे में जैसे कि सभी लोग जाते हैं ना वैसे ही मैं गया था ऐसे वो एंड दैट इज द केज तो वो बोलता है देखिए ये ब्राह्मण है ये मैं हूँ और ये क्या है केज है ओके okay? ऐसा वो बोलता है एंड आई वॉज इन द केज़ डू अंडरस्टैंड तो वो बोलता है कि देखिए ये ब्राह्मण है मैं टाइगर हूँ ये केज रहा और केज में कौन था मैं टाइगर था यस नो प्लीज़ माई लॉर्ड तो बोलता है यस yes, हाँ फिर बोलता नो प्लीज़ माई लॉर्ड मैं समझ नहीं पाया वेल क्राइड द टाइगर इम्पेशेंटली अब थोड़ा सा क्या है कि टाइगर को गुस्सा है तो बोलता है अच्छा नहीं है समझ में प्लीज़ माई लॉर्ड हाउ डिड यू गेट इन तो बोलता है माई लॉर्ड भगवान मेरे टाइगर जी आप अंदर गए कैसे हाउ डिड यू गेट एंड आप अंदर कैसे गए हाउ इन द यूजअल वे ऑफ कोर्स टाइगर बोलते हाउ कैसे मतलब जैसे सभी जाते हैं वैसे मैं भी पिंजरे में चला गया ओह डियर मी माय हेड इज़ बिगनिंग टू वेल अगेन प्लीज डोंट बी एंग्री माय लॉर्ड बट व्हाट इज़ द यूजुअल वे और बोलते हैं अरे भगवान मेरा दिमाग फिर से घूमने लग गया फिर से चकरा रहा है प्लीज़ डोंट बी एंग्री आप प्लीज़ गुस्सा मत हुई टाइगर जी माई लॉर्ड मेरे भगवान बट वाट इज द यूजअल वे वो आपने बोला ना कि मैं यूजअल वे में चला गया तो कौन सा यूजअल वे था वो एट दिस द टाइगर लॉस्ट पेशेंस इस पर है टाइगर को बहुत ज्यादा जाता है वो अपना धैर्य खो देता है एंड जम्पिंग इन टू द केज क्राइड दिस वे नाउ डू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज तो फिर क्या है वो गुस्सा जाता है और वो जो है उस पिंजरे के अंदर कूते बोलता है कि इस तरीके से मैं अंदर आया अब तुम्हें समझ में आया मैं कैसे अंदर आया परफेक्टली ग्रीन द टाइगर ग्रीन द जैकल एज इट डोर एंड इफ यू विल परमिट मी टू सेन एज देवर और वो बोलता है कि अब परफेक्टली मुझे आप अच्छे से समझ में आ गया अब कैसे गया ए के साथ में वो जो है बड़ी ही स्किलफुल यानी चालाकी से जो है वो उस दरवाजे को बंद करता है और टाइगर फिर से अंदर लॉक हो जाता है एंड इफ़ यू विल परमिट मी टू से सो आई थिंक मैटर विल रिमेन एज देवर और वो बोल रहे हैं अगर आप मुझसे अभी भी वही बात करने के लिए कहते हो तो मैं ये बात सही कहूँगा ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए दैट्स राइट ओके ना सो स्टूडेंट्स दैट वाज आवर स्टोरी दैट वॉज आवर लेसन दैट हैज़ बिन कम्प्लीटेड अभी क्या है कि वाट वॉज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी The message was that that don't be angry don't lose your patience okay now people will try to make you angry people will try to make you angry so that you may uh, lose your patience and uh, make some mistakes okay now because they want to make profit of your mistakes so take care okay bye in our next lecture we will complete the exercise of this lesson I hope you understand this lesson very well. Thank you.